जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर एक लाइव वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि मेरे मोबाइल के अंदर चल रहा है और मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से मैं इसको लगाया हूँ मैं इसको हमेशा देखता रहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा ये वॉलपेपर लग रहा है। ये एक वॉलपेपर है लेकिन ये लाइव वॉलपेपर है, बहुत ही अच्छा काम करता है और इसको लगाने के बाद मोबाइल थोड़ी सी भी स्लो नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा यदि कोई एप्लीकेशन खोल रहा हूँ तब ये नीचे मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर बेसिकली जब मेरे मोबाइल अपने खोल कर रखता हूँ तब भी ये चलता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह के वॉलपेपर या फिर लाइव वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि इस तरह के वॉलपेपर या फिर लाइव वॉलपेपर आप कैसे अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आपसे भी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट में। जैसा कि दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर के बारे में कि हम अपने मोबाइल में एक लाइव वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कोई भी लाइव वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बोरिंग यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन इसे हम करना चाहते हैं चेंज और चेंज करके यहाँ पर लगाना चाहते हैं एक नया लाइव वॉलपेपर। तो अब हमें करना क्या होगा, सिंपली दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा एक एप्लीकेशन जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका नाम है मैकेनिकल ऐप। दोस्तों बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, इसका फंक्शन भी बहुत ही बेसिक बहुत ही छोटा है, लेकिन यदि इसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का थोड़ा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। चलिए हम करते हैं इस एप्लीकेशन को ओपन। पहली बार यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी ये देख सकते हैं तो यहाँ पे खुल गया, थोड़ा सा आपको ऐड देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं अप्लाई थीम सेट वॉलपेपर गेट मोर थीम और प्रीमियम फ्री प्रीमियम कीपैड। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मुझे थीम मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे आप वॉलपेपर लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे और यदि आपको थीम या कीपैड चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सेट एज वॉलपेपर कर लेते हैं। यहाँ सेट एज वॉलपेपर ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दो, यहाँ देख सकते हैं दो मुझे देखने को मिल रहा है जो कि हम अपने मोबाइल के ऊपर लगा सकते हैं। अब ध्यान देंगे ऊपर तो यहाँ देख सकते हैं 23 घंटा 50 मिनट 42 सेकेंड, मतलब जब यहाँ पे एक वॉलपेपर आप सेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, उस समय के बाद दूसरा ये अनलॉक हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे इसको आप लगाते जाएंगे उससे इसे उस तरह तरह से ये सब धीरे धीरे अनलॉक होता जाएगा। इसलिए मैं फिलहाल पहला वाला यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जब इसे पहली बार करेंगे तो इसको आप डाउनलोडिंग करने का ऑप्शन आपके सामने आता है, तो फिलहाल इसे मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ। तो फिलहाल इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे नीचे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये पूछता है कि आपको कहाँ लगाना है, यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब सिंपली हम आते हैं बैक, और बैक आने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरे मोबाइल में एक थीम या फिर कह सकते हैं लाइव वॉलपेपर लग चुका है जो कि मेरे मोबाइल में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो अब चलते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। जब इस एप्लीकेशन को पहली बार खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिले जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर बना हुआ है कॉल स्क्रीन एनिमेशन, इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलाउ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे यदि इसको ऑन कर देते हैं तो जब यदि आपको कोई कॉल करेगा तो आपका जो कॉलिंग का जो भी फंक्शन होता है वो थोड़ा से चेंज हो जाएगा, मतलब जैसा आपको कॉल आता है उस तरह का देखिए कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। यदि वहाँ पर भी आप कॉलिंग स्क्रीन पर भी यदि कुछ लगाना चाहते हैं तो गेट मोर एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। फिलहाल आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको अंदर मिलेगा अप्लाई थीम के ऊपर, यदि आप क्लिक करेंगे कुछ ऐड देखने के बाद यदि इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आपको कीपैड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अपने आप कीपैड के अंदर भी इस तरह का मैकेनिकल या फिर कह सकते हैं लाइव वॉलपेपर भी लगा सकते हैं अपने कीपैड के अंदर। यदि और आपको कीपैड चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट मोर थीम के ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कीपैड देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपने लाइव वॉलपेपर को लगाकर थोड़ा से अपने इंजॉय कर सकते हैं या फिर कुछ अलग इंटरफेस अपने मोबाइल को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में एक लाइव वॉलपेपर लगाकर कुछ अपने मोबाइल को अलग लुक दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।